वेलकम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। लेट्स लर्न। सबसे पहले आप अपने काम के ऊपर लिखेंगे आज के दिनांक, जो कि है 24/9/2020। कक्षा व भाग लिखेंगे, बच्चे का नाम अपना नाम यहाँ लिखेंगे, अध्यापक स्लैश अध्यापिका यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। क्रियाकलाप नंबर 70 यानी कि 70, फुग्गे ले लो। फुग्गे बच्चों, फुग्गे होते हैं बैलून्स यानी कि गुब्बारे। तो चलिए देखते हैं। पहला, आपको पता है गुब्बारों को फुग्गे भी बोल सकते हैं। आइए गुब्बारों का चित्र बनाना सीखते हैं। नीचे गुब्बारे बनाने के 5 चरण दिए गए हैं, इन्हें देखकर गुब्बारे बनाएंगे। तो बच्चों, नीचे स्टेप्स दिए गए हैं गुब्बारे बनाने के। कितने स्टेप? 5। सिर्फ 5 ही चरणों में इनको पूरा किया गया है। देखिए, पहले में ये शेप बनाई, दूसरे चरण यानी कि स्टेप में ये गांठ जो गुब्बारे की है वो ड्रॉ करी, फिर तीसरे स्टेप में ये धागा बनाया है, चौथे में ये डिजाइन बनाया गुब्बारे के अंदर, और पांचवे में उसमें रंग भर दिया है। तो आप भी इस तरह 5 स्टेप में ही गुब्बारों को बनाओगे। वुहू, है ना मजेदार काम? तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, इसी तरह किसी और चीज का चित्र बनाने के 5 चरण सोचिए और उन्हें अपनी कॉपी या किसी कागज पर बनाइए। कक्षा 1 और 2 के लिए है ये काम। तो देखो, मैंने उदाहरण के लिए आपको एक बर्ड बना के दिखाई गई है, और वो भी सिर्फ 5 चरणों में यानी कि 5 स्टेप में। पहला स्टेप देखो, ये डिजाइन बनाया मैंने, उसके बाद मैंने आईज बनाई, फिर फेस, उसके बाद पैर और ये, और उसके बाद तैयार होगी 5वें स्टेप में हमारी बर्ड। आप अच्छे अच्छे कलर करिए बर्ड में, और ये 5 स्टेप में तैयार है। उसके बाद एक और मैंने उदाहरण लिया है, देखिए मैंने सर्कल बनाया, फिर उसमें ये रब करके ये, फिर ये, उसके बाद टेल ऐड करी, और ये आखिरी 5वें चरण में तैयार हो गई हमारी फिश। तो बच्चों, ये तो मैंने आपके सामने 2 उदाहरण पेश किए हैं कि किस तरह 5 स्टेप में आप ड्राइंग बना सकते हो या कोई भी चित्र बना सकते हो। आप खुद से अब 2 और चित्र बनाएंगे, खुद से सोच के, किसी भी चीज के हो सकते हैं, पर ये कोशिश करना कि वो सिर्फ 5 स्टेप में कंप्लीट हो। ठीक है बच्चों? के बाद तीसरा प्रश्न है, गुब्बारों को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये सभी कक्षा के बच्चे करेंगे। तो एक उदाहरण के लिए मैंने दिया गया है बर्थडे पार्टी यानी कि जन्मदिन पर। बाकी आप भी सोचिए, और कहाँ कहाँ हम गुब्बारों का इस्तेमाल करते हैं, सोचिए सोचिए। चौथा प्रश्न है, गुब्बारों के बारे में 4 वाक्य लिखिए। ये कक्षा पहली और दूसरी के बच्चे करेंगे। पहला मैंने वाक्य लिखा हुआ है, गुब्बारे रंग बिरंगी होते हैं। बाकी आप 3 और वाक्य खुद से सोच के लिखिए। खुद से गुब्बारों के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए लिखिए और अपनी टीचर को भेजिए। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको चारों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अपना काम अच्छे से करिए और अपनी टीचर को भेजिए। कोई भी समस्या हो अपने टीचर से जरूर पूछिए। और तब तक के लिए, जब भी बाहर जाएंगे तो डोंट टच योर फेस, ऑलवेज वॉश योर हैंड विद सोप और सैनिटाइजर, यूज सैनिटाइजर, वेयर योर मास्क व्हेन गो आउटसाइड यानी कि जब भी बाहर जाएंगे तो हमेशा अपना मास्क पहनना है। स्टे सेफ एंड बी हेल्दी। टेक केयर बच्चों, धन्यवाद।